दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रजापति न्यूज में। दुबई शेख ने समुद्र में ही शहर खड़ा कर डाला। दोस्तों वो कहते हैं ना कि जहां चाह है वहां राह है, और आपने ये जरूर सुना होगा कि इंसान को अपनी कमाई के कई सारे अवसर पता होने चाहिए। और ठीक इसी चीज को सोचकर आज पूरी दुबई की कायापलट हो चुकी है, क्योंकि आप तो दुबई को केवल तेल के कुएं की वजह से जानते हैं, पर दोस्तों रेत पर बनकर तैयार हुआ ये अनोखा शहर दुनिया भर के लिए एक मिसाल है। क्योंकि जब दुबई की जमीन पर तेल का लेवल कम होना शुरू हो गया तो दुबई के शेखों की परेशानी बढ़ने लगी, इसलिए इन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑयल बिजनेस से कन्वर्ट करके टूरिज्म में बदल दिया। अब ऐसा भी नहीं था कि दुबई में बड़ी खूबसूरत जगहें थी जहां पर लोग आना पसंद करेंगे, यहां सिर्फ और सिर्फ रेत दिखाई देती थी। लेकिन यूनाइटेड अरब अमीरात के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम का सपना तो दुबई को सबसे मशहूर करने का था, इसलिए उन्होंने इस नायाब शहर को खड़ा किया। और ये सब कैसे हुआ इसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के अंत तक बने रहना। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों शुरुआती समय में तो तेल से दुबई में खूब सारा पैसा आया, लेकिन जब तेल की कमी हो गई तो मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम को इस समझ में आने लगा एक दिन तेल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और जब ऐसा होगा तो दुबई का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे, इसलिए इन्होंने 14,000 करोड़ रुपयों का एक प्रोजेक्ट सोचा। इन्होंने अपनी सल्तनत को दुनिया भर के लोगों के लिए एक स्वर्ग बनाने का आदेश दिया। हर साल दुबई में 50 लाख टूरिस्ट घूमने फिरने आते हैं, और इस संख्या को ये बढ़ाकर 1.5 करोड़ कर देना चाहते थे। पर दिक्कत ये थी कि दुबई बहुत छोटा शहर था जिसमे केवल 50 लाख तक ही लोग रह सकते थे, जिसके बाद उन्होंने ये ठान लिया कि अब इस समुद्र के बीच में एक शहर ऐसा बनाएंगे। और ये चाहते थे कि उनका सपना केवल 6 साल में पूरा हो जाए। इन्होंने इस आइलैंड को एक पाम ट्री की तरह बनाने का सोचा, परंतु दिक्कत ये थी कि आज तक दुनिया में कभी भी किसी ने इस तरह की कोई चीज नहीं बनाई थी, क्योंकि इस तरह की चीज बनाने के लिए इंजीनियर्स को कुदरत की ताकत से टकराना पड़ेगा। पर वीडियो की शुरुआत में हम कह चुके हैं कि जहाँ चाह है वहाँ राह है। वैसे तो ये शहर समुद्र में सीमेंट और स्टील की मदद से बड़ी आसानी से बनाया जा सकता था, लेकिन दुबई के शेख ने तो कुछ और ही सोचा था। वो चाहते थे कि इस शहर को पूरी तरह प्राकृतिक चीजों से बनाया जाए ताकि ये आसपास के माहौल से घुल मिल सके। इस प्रोजेक्ट में इतनी रेत और इतनी चट्टान लगने वाली थी जितने में तो दुनिया के चारों तरफ 2.5 मीटर दीवार बन जाए। और इस खास प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए दुनिया भर के खास इंजीनियर को रखा गया। इंजीनियर्स को ये फिक्र थी कि सर्दियों में उतरी तूफान से आने वाली हवाएं और 2 मीटर ऊंची लहरें हैं इस शहर पर वार जरूर करेंगी। और फिर पूरी जांच पड़ताल के बाद इंजीनियर्स ने ये हिसाब लगाया कि खतरनाक लहरों से बचने के लिए उन्हें लहरों से करीब 3 मीटर ऊंची और 11 मीटर लंबी दीवार बनानी चाहिए। इसी वजह से समुद्र में दीवार खड़ी करने के लिए समुद्र में लगातार रेत डाली जा रही थी। हालांकि समुद्र में रेत को थामे रखना आसान नहीं था, इसलिए रेत को थामे रखने के लिए इसमें 6-6 टन के पत्थर डाले गए। ये वही पत्थर है जो इस आइलैंड को खतरनाक लहरों से बचा कर रखेंगे। पर दोस्तों इन भारी भरकम पत्थरों को लाना कोई आसान काम नहीं था। जितने पत्थर इस दीवार को बनाने में लगने वाले थे उतने पत्थर में तो इजिप्ट के 2 पिरामिड बन जाएं। दोस्तों बाकी का काम करने के लिए दुबई को 9 करोड़ 40 लाख घन मीटर रेत की जरूरत थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इतनी रेत में पूरे लंदन शहर को 1 मीटर नीचे तक दफनाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे दुबई में तो रेत की कमी है ही नहीं। ऐसे में हम आपको बता दें, जो रेत दुबई में पाई जाती है वो बहुत ही बारीक कणों से बनी है जो समुद्र में बहुत आसानी से बह जाएगी, इसलिए मोटे कणों वाली रेत की जरूरत थी जिसे पाइप के जरिए 10 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से समुद्र में छिड़कना शुरू किया गया। आपको जानकारी के लिए बता दे, इस गति से एक ओलंपिक पूल को केवल 4 सेकंड में भरा जा सकता है। इस प्रोजेक्ट की जांच करने के लिए दुबई ने अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट भेजे ताकि पता लगाया जा सके कि ये प्रोजेक्ट सही हो रहा है या नहीं। अब इंजीनियर को एक और चुनौती का सामना करना था, क्योंकि इस आइलैंड को 1,20,000 से ज्यादा लोगों का बोझ उठाना था और उनकी सुरक्षा इस आइलैंड की बुनियाद पर टिकी थी, इसलिए इस रेत के आइलैंड को चट्टान की तरह बिल्कुल मजबूत होना चाहिए। और इसलिए इंजीनियर ने रेत को सख्त करने के लिए 12 मीटर की गहराई तक रेत को सख्त किया, जिसके लिए इन्होंने वाइब्रो कंप्रेशन नाम के प्रोसेस का उपयोग किया, जिसमें एक मशीन को जमीन के अंदर उतारा जाता है और फिर इसकी वाइब्रेशन से चारों तरफ की जमीन हिलती है और जमीन ठोस होती चली जाती है। और इस प्रोसेस को करने के लिए 15 मशीनें लगातार 8 महीनों से ड्रिल करती जा रही थी,
और ये काम जरूरी था क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जिंदगी अगर सुरक्षित रखनी है तो रेत का ठोस होना तो जरूरी था। अब प्रोजेक्ट तो खत्म होने के कगार पर आ गया, लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट में जब काम खत्म होने वाला होता है तभी कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर खड़ी होती है। और यहाँ भी दिक्कत ये थी कि समुद्र का पानी प्लान के अनुसार आइलैंड के चारों तरफ नहीं घूम रहा। अब इस आइलैंड के छोटे से हिस्से के लिए लाखों डॉलर खर्च किए गए थे तो यहाँ ठहरे हुए पानी को तो वो कतई बर्दाश्त नहीं करने वाले थे। लेकिन इसका भी समाधान इंजीनियर ने निकाल लिया और उन्होंने सोचा अगर वो दीवार में दो छेद करेंगे तो उन छेद से ताजा पानी बहकर चारों तरफ फैल जाएगा और दूसरी तरफ भी ऐसा ही कुछ करना होगा ताकि पानी बाहर भी निकल सके। सब कुछ हो रहा था और प्रोजेक्ट बस खत्म होने वाला था। इस आइलैंड पर कई सारे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स, रेस्टोरेंट्स, होटल, शॉपिंग मॉल सब कुछ बनकर तैयार होने लगा और ये आइलैंड लगभग बन ही गया था। हालांकि अभी भी इसमें इम्प्रूवमेंट चल रही है लेकिन अधिकतर चीजें कम्प्लीट हो गई है। और आप यकीन नहीं करेंगे, इस आइलैंड में जब घरों की बिक्री शुरू हुई तो मात्र 3 दिन में सभी जगह बुक हो गई, जिसमें आप इस आइलैंड की पॉपुलैरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। और ये तो कहना पड़ेगा अगर ये आइलैंड ना होता तो आज दुबई इतना फेमस नहीं होता। बाकी आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही है जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।